हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। यार अच्छे ही रहना दोस्तों। तो चलिए यार फटाफट से जो आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं द हिंदू के, उन पे जो आज का डिस्कशन है उसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो अपना ट्विटर से रिलेटेड है। तो ट्विटर परमानेंटली सस्पेंडेड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अकाउंट। तो यार आपको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने मतलब क्या हदी मचा रखी है, और वहाँ पे इतने जो एक झगड़े का माहौल, जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल हो गया उसको देखते हुए जो ट्विटर ने है उन डोनाल्ड ट्रम्प का जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया है। परमानेंट मतलब परमानेंट ही सस्पेंड कर दिया। खैर सस्पेंड तो फेसबुक ने भी किया, लेकिन ट्विटर ने तो परमानेंट ही कर दिया कि आगे और भी ऐसी चीज़ें मतलब और दिक्कत ना हो पाए मतलब ट्रम्प के थ्रू। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जैसा कर रहे हैं, तो उसी वजह से ये जो ट्विटर ने है उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और बाकी 20 जून मतलब कि अपने 20 जनवरी को अपने जो बीडन है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं तो उनको भी शपथ लेंगे वो बीडन 20 जनवरी को। तो इसी वजह से ट्विटर जो नए हैं जो ये जो अकाउंट सस्पेंड वाला जो प्रोग्राम है ये कर दिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करेंट अफेयर है वो अपने हर्षवर्धन जी से रिलेटेड है। हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च द लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडियन रिपोर्ट। तो ये लॉन्गिट्यूड एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है ये हर्षवर्धन जी ने लॉन्च की है। मतलब ये चेक करेगी कि जो अपनी पॉपुलेशन की जो एज है किस उस पर बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए ये हर्षवर्धन जी ने इस रिपोर्ट का लॉन्च किया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर है वो अपने जापान से रिलेटेड है। तो जापान हैज़ कमिटेड 2,130 करोड़ सपोर्ट फॉर कोविड रिलीफ एफर्ट इन इंडिया। तो यार जापान ने कहा है मतलब कमिट किया है कि मतलब कि ये 2,113 करोड़ जो है वो इंडिया को देगी मतलब कि कोविड के रिलीफ के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मतलब कि येन में देगी, मतलब करेंसी वहाँ की जो येन है आपको पता ही होगा जापान की करेंसी येन है। और मतलब कि येन मतलब कि हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रांग है येन से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कैपिटल आपको पता ही होगा टोक्यो है, एम्परर जो है नारुहितो है, और पीएम जो है सुगा है अपने। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगला करेंट अफेयर जो है अपना वो राज अय्यर जी से रिलेटेड है। रिसेंटली राज अय्यर टुक चार्ज एज द US आर्मी फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यार ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक अपने इंडियन है, जो इंडियन हैं जो US में रहते हैं, मतलब उन्होंने मतलब वो पहले ऐसे इंडियन हैं जो US आर्मी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे चार्ज संभालेंगे। तो यार ये राज अय्यर जी हैं, तो इनका मतलब कि बहुत बड़ी बात है यार। मतलब पहली बार कोई इंडियन US आर्मी का मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का जो पद है वो संभालेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। राज अय्यर है इनका नाम। तो अगला जो करंट अफेयर है वो अपने JK महेश्वरी जी से रिलेटेड है। रिसेंटली JK महेश्वरी हैज़ बिन स्वॉन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। तो यार ये अपने सिक्किम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं JK महेश्वरी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी एग्जाम में यार हाई कोर्ट से ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फिर भी ये न्यूज़ में थी तो मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम के जो नए सिक्किम हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं वो JK महेश्वरी हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा सा यार सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं। सिक्किम के आपको पता होगा कैपिटल जो है गैंगटॉक है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चार डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ की, और जो गवर्नर हैं अपने गंगा प्रसाद जी हैं, और जो CM हैं वो अपनी जो CM है वो प्रेम सिंह तांगमांग है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ विधानसभा की जो है 32 सीट है, और लोकसभा की जो है 1 सीट है, और राज्यसभा की भी 1 ही सीट है। तो दोनों की एक एक सीट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको ये सारे करंट अफेयर हेल्पफुल लगे, आपके एग्जाम में हेल्प करे, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।